गाड़ी बदले जाने साइलेंस प्लीज देख सिंपल सी बात है मेरी बात समझिए आपको समझना पड़ेगा कि ये एक केस चल रहा है वो केस में हमें एक इंक्वायरी के लिए बुलाया गया वो इंक्वायरी एक दिन में खत्म होकर हम लोग घर चले जाते अगर आप लोग इतना ज्यादा गलत गलत रिपोर्ट नहीं देते ऐसी ऐसी स्टोरियां बोली गई है मेरे खिलाफ के आई कांट बिलीव इट मैंने जिंदगी में एक झूठ नहीं बोला और एक भी झूठ पुलिस को नहीं बोला और पुलिस भी सेटिस्फाइड थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इतने दिन 15 दिन हम लोग वहां क्यों रहे अब आप लोग प्लीज समझिए कि आप लोग को हम लोग बिलीव करते हैं जब मैं पेपर पढ़ता हूँ मुझे लगता है सच है जब मैं न्यूज सुनता हूँ मुझे लगता है सच है पर आज के बाद मुझे विश्वास नहीं मेरा दोस्त है गुरु आराध्य बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ उसने कोई गलत काम नहीं किया और मैंने जिंदगी में कभी कोई फिक्सिंग कोई स्पॉट फिक्सिंग कोई क्रिकेटर से बात कभी नहीं की लेकिन इतनी चीजें मेरे बारे में लिख दी गई कि मैं 1,28,00,000 मेरे घर से मिले किसी और से मिले जितने लोग इसमें थे उसमें सिर्फ मैं गुरुनाथ को जानता हूँ और थोड़ा प्रेम को जानता हूँ बाकियों के मैंने नाम जिंदगी में नहीं सुना और हम घर पहुंच चुके हैं पुलिस को भी पता हमने गलत नहीं किया उसी में हम घर पहुंचे धोनी की बीवी बेचारी धोनी की बीवी आई मस्ट टेल यू दिस आई फील सो बैड फॉर साक्षी आई कांट टेल यू हम मैच भी देखने गए थे वो बेचारी फर्स्ट रो में बैठी थी मैं आके चुपचाप थर्ड रो में बैठ गया उसने कहा बिंदु भैया आगे आ जाओ आगे आ जाओ मैं आगे आके उसके पास बैठ गया वो सबसे बड़ी गलती की मैं जिंदगी में उसका नंबर नहीं लिया लाइफ में उससे बात नहीं की लाइफ में धोनी से बात नहीं की जब भी मिला हूँ प्यार से हेलो हेलो ऐसे करके मिला हूँ सचिन से मिलता हूँ दुनिया के सारे क्रिकेटर से मिलता हूँ सब मुझे नहीं पता मुझे इतना पता है कि मुझे मेरा परिवार मेरी माँ आई थिंक शी हैज सफर्ड द वर्स्ट थिंग एवर इन हर लाइफ मेरी बीवी आई गिव हैट्स ऑफ एंड माय परिवार जो दोस्त है जो मुझे बिलीव करते हैं मेरी जिंदगी में बिग बॉस ने एक झूठ नहीं बोला पुलिस ने एक झूठ नहीं बोला और आप समझ सकते हैं कि मेरे खिलाफ आप लोगों ने इतनी बुरी बुरी बातें बोली है कैसे मैं सबसे बड़ा क्राइम ब्रांच ऐसा कभी नहीं बोल सकता क्राइम ब्रांच आई नेवर मेट मैंकी इन माय लाइफ I don't have his phone number. We've never spoken about cricket. And I can't believe what this was done so that my bail gets rejected. I don't understand all this rubbish. Asad Rao, I know as a friend from many years. Whenever he comes to India, first thing he calls me. He's never spoken about any match or any fixing ever in his life.